हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ खंडवा से कुछ दूर पे मथेला स्टेशन के पास, और वहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आप देख पा रहे हैं कि एक रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा था, जो कि ये खंडवा मथेला रोड जो है दोस्तों, जो आगे इधर मुंदी की ओर निकल जाती है रोड दोस्तों, मुंदी की तरफ जाती है, इसी पे दोस्तों ये ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो मथेला साइड का है वो ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि ये जो ब्रिज है दोस्तों वो जो मथेला से एक नई रेलवे लाइन इधर सनावत निमार खड़ी तक गई है दोस्तों, जिससे अभी कोयला जा रहा है एनटीपीसी खरगोन के लिए, उस रेलवे लाइन के ऊपर ये ब्रिज बन रहा है। और ये इधर रेलवे लाइन आप इलेक्ट्रिफिकेशन का देख रहे होंगे कि ये बिजली के पोल नज़र आ रहे हैं। और ये जो है दोस्तों, ये आपका जो पहले से पुरानी लाइन है इटारसी के लिए और खंडवा के लिए ब्रॉडगेज की, वो है दोस्तों। और ये जो रेलवे लाइन है दोस्तों मथेला से निमारखड़ी के बीच, ये जो खंडवा से लाल चौकी होते हुए नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है दोस्तों ब्रॉडगेज, वो मर्ज होगी दोस्तों खंडवा बाईपास जो अहमदपुर खेगांव के पास स्टेशन है वहाँ पर, ये लाइन और वो वाली रेलवे लाइन मिल जाएगी आपस में। और आप ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य जो है तेज़ी से चल रहा है। और ये इधर आप खंडवा सिटी की ओर चले जाएंगे इधर जाएंगे तो, और ये हनुमान मंदिर जो है दोस्तों वहाँ पर ये ओवर ब्रिज का काम आपको दिखा रहा हूँ, और ये आप जेसीबी मशीन खड़ा देख सकते हैं ये। और आने वाले लग रहा है दोस्तों कि एक साल और लग ही जाएंगे, लेकिन आने वाले एक सालों में ये ब्रिज जब बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर जो जाम की स्थिति बन जाती है जब मालगाड़ी या रेलवे गेट से निकलती है, तो वो नहीं बनेगी। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्रॉडगेज की रेल लाइन पे जो एक ट्रेन आ गई है इटारसी की तरफ से, और ये दोस्तों खंडवा जंक्शन की ओर जा रही है, तो ये खंडवा जंक्शन की ओर जा रही है, और ये आई है दोस्तों इटारसी की तरफ से रेल लाइन, ये देखिए दोस्तों। और इधर भी काम हो चुका है दोस्तों, तो आपको मैं एक बार फिर से पूरा व्यू दिखा देना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम आपको एक व्यू पूरा दिखा देते हैं। इधर ये रेलवे गेट का आप केबिन देख सकते हैं दोस्तों, जो कि मथेला के पास हनुमान मंदिर जो है वहाँ पे है, और ये मथेला की तरफ से ये ब्रिज जो है स्टार्ट हुआ है। और ये इस तरीके से कुछ जो पिलर वगैरह बनाकर जो ऊपर का काम रहता है वो भी इधर तो कंप्लीट कर दिया गया है, बाकी रेलवे लाइन के ऊपर जो है अभी छोड़ दिया गया है। और इधर का आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये आप देखिए दोस्तों, ये जब ये ब्रिज बनकर तैयार होगा दोस्तों, तो मुंडी की तरफ जाने वाले और जो डैम की तरफ जाते हैं पुनासा डैम वगैरह, उनको बहुत ही सुविधा होगी। और ये अभी काम जो है ग्राउंड लेवल का काम चल ही रहा है, आप देख सकते हैं पूरा व्यू ये दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब आपको हम दिखाते हैं इधर का व्यू आगे की ओर की, आगे क्या काम हो रहा है, तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये मैं खंडवा तरफ से व्यू दिखा रहा हूँ उस ब्रिज का, जो कि खंडवा मुंदी रोड पे बन रहा है। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि जो दोनों तरफ की दीवारें होती है वो बना के रख दिया गया है। और अभी मैं थोड़ी सी आगे का जो पहला वाला पार्ट है वीडियो का, उसमें थोड़ी सी आगे का वीडियो व्यू दिखाया था, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आकर ये एंड हो जाएगा, और इधर जो है खंडवा सिटी की ओर चले जाएगा ये रोड फिर दोस्तों, अनंत नगर होते हुए। और ये एक कॉलेज है दोस्तों यहाँ पर, वो कॉलेज के पास से ये ब्रिज स्टार्ट हुआ है। और ये जो है दोस्तों खंडवा और इटारसी रेल लाइन है, और ये जो ब्रिज बन रहा है ये मथेला, जो इटारसी मथेला और सनावत रेल लाइन है उसके ऊपर बन रहा है दोस्तों। तो बस बीच में अब मटेरियल रख के और उसको बस यहाँ पर डामरीकरण करना रह गया है आई थिंक इधर, बाकी तो ब्रिज बनकर तैयार हो ही गया है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अगर खूब से खूब भी लेट होगा इस ब्रिज का काम, तो आने वाले जो एक साल है उसमें ये ब्रिज का उद्घाटन हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ काम रहा नहीं है। मैं आगे भी देख के आया हूँ मथेला तरफ तक, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट था दोस्तों रेलवे का, जो कि अब एंड होने पे ही है लगभग। और इससे दोस्तों जाम की स्थिति जो बनती थी वो भी नहीं बनेगी इस रोड पे, और अच्छी सुविधा रेलवे ने दी है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। और ये आपको मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।